दोस्तों नमस्कार मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह सी। दोस्तों आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो हर डेयरी फार्म पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उसका एक देसी इलाज क्या है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जू चिचड़ मक्खी मच्छर जिनसे आपके एनिमल्स परेशान रहते हैं और ये जो हैं इनको हम बाह परजीवी भी, भी बोलते हैं और ये उनका उनकी स्किन पर होते हैं उनके शरीर पर अक्सर देखा होगा आप लोगों ने हर एक डेयरी फार्मर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये उनका एनिमल्स का खून चूसते हैं खून चूसते हैं और साथ साथ में ये जो बीमारी है उसको ट्रांसमिट करते हैं एक एनिमल्स पे दूसरे एनिमल पर ये ट्रांसमिट करते हैं उस बीमारी को और साथ साथ में ये बहुत सारी बीमारियों का एक कारण भी होते हैं जैसे बबेसियोसिस है जिसको हम लहूमूतरा भी बोलते हैं सर्रा है या थेरियसिस है एनाप्लाजमोसिस है इस टाइप की गंभीर बीमारियां जिनके कारण आपके पशु कई बार

मर भी जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है पशु हमेशा बेचैन रहता है तो दोस्तों इस वीडियो में आप मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही सस्ता और बहुत इफ़ेक्टिव एक ट्रीटमेंट इनका बताने जा रहा हूं तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज्यादा जो डेयरी फार्मर भाई हैं उनके साथ शेयर करें क्योंकि दोस्तों हमेशा मेरा जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप का जो जो एनिमल है और आपका जो डेयरी फार्म है वहां पे मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़े और आपके खर्चे कैसे कम हो जाएं तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ दोस्तों बाह पर परजीवी पर का मतलब है जो खुद खाना नहीं बनाता वो दूसरे पर हमेशा निर्भर करता है उसको हम पर बोलते हैं और ये जो पर हैं जैसे मैं आपको बता रहा था कि जू चिचड़ मक्खी मच्छर ये एक्चुअली जो एनिमल है उसकी स्किन और और ब्लड उसकी जो चमड़ी है और खून जो है वो इनका आहार होता है उससे ये अपना पेट भरते हैं और एक चीज आप याद रखिएगा कि जो जितने भी आप ये जू चिचड़ मक्खी टिक्स माइट्स जिनको हम बोलते हैं ये अगर उसके शरीर पे जितने भी आप देख रहे हैं ये मात्र 10 परसेंट है मात्र 10 परसेंट और 90 परसेंट जो हैं ये सारे के सारे आपका जो एनिमल है उसके आसपास आपके फार्म पे ये उपलब्ध ये मौजूद होते हैं जो क्रैक्स होते हैं दीवारों में वहाँ पे मौजूद होते हैं जो गीला स्थान होता है वहाँ पे मौजूद होते हैं तो आप याद रखिए आप ये 10 परसेंट का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो नाइन्टी को भी आपको ध्यान में रखना होगा इनके साथ साथ अगर आप उनको भी खत्म करते हैं उनको भी अगर नियंत्रित कर लेते हैं तो आपका डेरी फार्म जो मैं बता रहा था इन समस्याओं से बच सकता है दोस्तों सबसे बड़ा जो नुकसान ये करते हैं वो जो मैं आपको बीमारियां बता रहा था वो तो ये करते ही करते हैं एनिमल को बीमार करते हैं कमज़ोर करते हैं सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है आ, आपके फार्म पे आ, क्योंकि आपका जो पशु है वो हमेशा बेचैन रहता है उसको इचिंग होती है स्किन में आ, उसको खुजली होती है उसको कई बार वहाँ पे घाव बन जाते हैं तो अगर आपका पशु बेचैन है वहाँ पर वो अगर आरामदायक पोजीशन में नहीं है तो मिल्क का प्रोडक्शन कभी भी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका फोकस ही नहीं होगा तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका पशु हमेशा रिलैक्स रहे हमेशा फोकसड रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन आ, मिलेगा लेकिन एक्चुअली हम लोग कई बार हम फीडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ब्रीडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन ये वाला जो पहलू है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्टोपैरासाइट्स या पर जो हैं बाहर परजीवी जो हैं इन पर हमारा ध्यान कई बार उतना नहीं जाता जितना ध्यान हमें देना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को अगर कंट्रोल कर लिया तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा एक्चुअली बेनिफिट आपको दिखाई देगा कुछ दिनों में तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि इनको कंट्रोल कैसे करना है एक्चुअली दो तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं एक तो जो आप आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं जैसे टिक किल है या टिक टैक है ब्यूटॉक्स है या और भी जो मेडिसिन आती हैं ड्रग्स आती हैं लिक्विड आते हैं आप देखते हैं दो एम आपने एक लीटर पानी में लेते हैं और वो एनिमल पे अप्लाई करते हैं लेकिन कई बार खतरा बना रहता है कि अगर वो बाई चांस अगर एनिमल ने वो लिक कर लिया आपके पशु ने उसको चाट लिया तो कई बार वहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है और थोड़ा सा वो बार बार करना पॉसिबल भी नहीं होता तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो घरेलू उपाय है बहुत ही सस्ता है आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं वो सामग्री जो आप जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आप इसको नोट कर लें बहुत अच्छे से और किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको नीम लीव्स लेनी है नीम की पत्तियां लेनी है और दो लीटर पानी में उनको उबाल लेना है नीम की पत्तियों को दो लीटर पानी में उबाल लेना है अगर नीम की पत्तियों के साथ साथ आपको अगर सीता फल के पत्ते सीता फल के पत्ते भी मिल जाए तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है तो नीम की पत्तियों को और साथ में सीताफल की पत्ते को अगर नहीं है तो भी चलेगा लेकिन अगर मिल जाते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा वो सॉल्यूशन जो आप बना रहे हैं तो नीम की पत्तियों को आप दो तो लीटर पानी में बॉईल कर लें उबाल लें और उसको अच्छे से उबाल दें मतलब वो आधा सॉल्यूशन रह जाए मतलब दो लीटर का मतलब कम से कम वो एक लीटर वो जब रह जाए तो आप उसको उबालने के बाद उसको छान लें छानने के बाद आप उसमें 250 ग्राम मतलब एक पाव आप नमक ऐड कर दें कॉमन सॉल्ट नमक ऐड कर दें आपने पहले नीम के पत्तों को उबाल लिया उबालने के बाद उसको छान लिया छानने के बाद आपने उसमें 250 ग्राम या एक पाव आपने उसमें कॉमन सॉल्ट या नमक ऐड कर दिया नमक ऐड करने के बाद आप अब जो सॉल्यूशन आपके पास लगभग एक लीटर जो है जिसमें नमक भी है नीम का आपने पहले ही उबाल लिया है नीम उसको छानने के बाद अब आप उसको उसमें उसको पाँच लीटर बना लें मतलब उसको डाइल्यूट कर लें उसमें चार लीटर पानी और ऐड कर दें अब ये टोटल सॉल्यूशन आपके पास जो हो गया वो पाँच लीटर हो गया है दोस्तों ये जो पाँच लीटर जो मैंने जो ये बनेगा जो सॉल्यूशन ये आपके कम से कम दस एनिमल्स से पंद्रह एनिमल्स के लिए सफिशेंट होगा और अब इसको क्या करना है आपको जो भी पशु पे अप्लाई करना है उसको पहले से पानी पिला दें उसको पहले से खाना खिला दें और इस सॉल्यूशन को उसके शरीर पर स्प्रे करना है आपको या एक कपड़े से उसको उसके ऊपर अप्लाई करना है याद रखिए इस सॉल्यूशन को आपको पिलाना नहीं है इस सॉल्यूशन को आपको उसकी चमड़ी पर अप्लाई करना है उसकी चमड़ी पर बाहरी अ, उसकी चमड़ी पर आपको अप्लाई करना और अच्छे से अप्लाई करना है एक गीले कपड़े से आप उसको एक एक साफ़ कपड़ा ले लें और उसको उसमें सोख करके भिगो कर और उसके ऊपर रगड़ दें अच्छे से और रगड़ने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दें आपको धोना नहीं है उस आ, पशु को फिर नहलाना नहीं है उसके ऊपर पानी नहीं डालना है उसको पूरा उस सॉल्यूशन को उसके ऊपर काम करने दीजिए आप देखेंगे आपने अगर ये कर दिया तो वहां बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा नेक्स्ट डे उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी अब करना क्या है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि 10% परसेंट केवल आपको उस एनिमल के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं उनका 90% प्रतिशत जो है वो या तो दीवारों पर होते हैं या जमीन पर होते हैं उसके लार्बा और ये जो लार्बा है उसका दो दो महीने से सात महीने तक बगैर खाए पिए रह सकता है तो याद रखिए तो इनको हमें ख़त्म करना अलग अलग स्टेज में होते हैं ये तो और दस दिन बाद फिर वो लार्वे मैच मैच्योर होंगे कुछ मैच्योर होंगे उनमें से तो हमें फिर इस चीज़ को रि, रिपीट करना है दस दिन बाद आ, दस दिन बाद फिर रिपीट करना है दस दिन बाद फिर रिपीट करना है अगर आप आपके फार्म पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप ये तीन बार दस दस दिन के अंतराल पे आप इसको रिपीट करिए उसके बाद जब आपको लगे कि यार मेरे यहाँ ये कंट्रोल हो चुका है काफ़ी हद तक काफ़ी इनकी संख्या कम हो गई है तो आप इसको महीने में कम से कम एक बार सारे एनिमल्स को एक साथ आप इससे उनको एक्टोपैरासाइट्स एक्टो के लिए ये ट्रीटमेंट अपना सकते हैं और एक बात जरूर याद रखिएगा कि जब भी आप ये ट्रीटमेंट करते हैं एनिमल्स के ऊपर ये अप्लाई करते हैं तो साथ साथ में वो जो सराउंडिंग्स हैं जो आसपास आपने जहाँ जिस स्थान पर आप, आपका जो आ, एनिमल्स जो बन आप उसको रखते हैं उस जगह पर ज़रूर से इसका छिड़काव कर दें दीवारों पर या आसपास पास जहाँ भी आपको लगता है वहाँ पर इसका छिड़काव कर दें ताकि वो जो संख्या है वहाँ भी उनकी कंट्रोल होती चली जाए दोस्तों एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो जो मैंने जो ये तरीका बताया है इसको आप अप्लाई करिएगा और तीन बार कंटिन्यूस दस दस दिन के गैप गैप पर इसको आप यूज़ करिएगा फिर उसके बाद मंथली रिपीट करना है बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही सस्ता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है आपको एक घरेलू उपाय बताने की इस चैनल पर मैं हमेशा लेकर आता हूँ आपके लिए सही साइंटिफिक और सटीक इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही हमारे साथ बने रहें जय हिंद